y is equal to u into v, तो dy by dx क्या होता था? u into derivative of v plus v into derivative of u, ऐसे था ना फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है? जिसमें हमारे पास पहले से फॉर्मूला था, तो हम इसको बोलते थे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो here we are going to apply product rule, तो क्या हो जाएगा? See here, dp by dt प्रश्न में मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आ रही, ठीक है? डीपी बाई डी टी अभी आई सर, आपने जितना लिखा वो नहीं आया। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों के टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो इधर भी टाइम आ गया नीचे, डेरिवेटिव कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्या था? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये ठीक है? देखो मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है? अच्छा तो ये dp by dt किसका फॉर्मूला होता है? जैसे ये dp by dt रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स। dv by dt किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। तो ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन प्लस v dm by dt, ये होता है फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला। फोर्स का एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, कंप्लीट फॉर्मूला। आप कहेंगे हमने तो हमेशा यही वाला यूज किया है, पहला वाला, आई मीन ये कहां से एक्स्ट्रा आ गया? तो ध्यान सुनो, इसमें दो पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप कब यूज करते हैं? व्हेन व्हेन मास अंडर द कंडीशन, एक कंडीशन रख लेते हैं, कंडीशन व्हेन मास इज कॉन्स्टेंट, अगर मास कॉन्स्टेंट होता है तो। और सेकेंड वाला पार्ट यूज करते हैं दिस वन, अंडर द कंडीशन when mass is not constant। तो कहने का मतलब है up to class 10 standard आपको सिखाया जाता है कि जब भी ये formula लगता है तो mass constant रहता है, आपको मालूम mass हमेशा constant रहता है। तो आपने जब भी ये formula use किया होगा force equal to mass into acceleration, तो every time mass is constant। लेकिन अब हम लोग 11th 12th में उसको भी पढ़ेंगे कि अगर mass constant नहीं होता है फिर क्या होगा। जैसे मैं रॉकेट का एग्जांपल लूं, क्या रॉकेट का मास कांस्टेंट होता है? क्या नहीं? रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें फ्यूल निकलता रहता है, वो बर्न होता रहता है, तो मास कांस्टेंट है क्या रॉकेट का? नहीं। तो रॉकेट एक एग्जांपल हो गया वेरिएबल मास का। इसमें क्या होता है? मास इज नॉट कॉन्स्टेंट, मास इज वेरिएबल, मास जो है वेरी कर रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, लुक हियर, आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से इट्स अ ट्रक, ये कोई ट्रक है, ठीक है? और ये ऑयल ले जा रहा है और इसमें एक छोटा सा होल हो गया है, ऑयल जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल गिर रहा है, तो क्या इस ट्रक का मास कांस्टेंट है क्या? नहीं, मास कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब वो तो वेरिएबल मास का प्रॉब्लम हो गया। तो ये वाला पार्ट कब यूज करते हैं? ये वाला पार्ट कब यूज करते हैं? व्हेन मास इज कांस्टेंट। और ये वाला पार्ट यूज करते हैं सेकंड वाला, v dm by dt व्हेन मास इज वेरिएबल। आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? समझाइए कि दोनों कब यूज करेंगे, कांस्टेंट मास के लिए। हाँ हेलो, यस सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर, आपके बीच में आवाज आ रही है और बीच में आ रही है, अभी आ रही थी, वो गाड़ी का नहीं आ रही थी, गाड़ी का बता रही थी तो नहीं आ रही थी। ओके ठीक है, एक सेकंड, दोबारा फिर से बताते हैं। सपोज कर लिया ट्रक है और ट्रक में ऑयल ट्रक है ये, ठीक है? और उसमें छोटा सा एक होल हो गया है और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल गिर रहा है, तो क्या इस ट्रक का मास कॉन्स्टेंट है क्या?
क्या स्ट्रक का मास कांस्टेंट है? नहीं, स्ट्रक का मास कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब जब मास कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे अगर मास कांस्टेंट होगा, रुक गया, इफ मास इज कांस्टेंट तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास अगर वेरी कर रहा है, वेरिएबल, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी इंटू डीएम बाय डीटी। ये बात समझ में आया? कॉम्प्रेंस थ्योरी पार्ट, छोटी सी थ्योरी का अभी बताते हैं आपको। कॉम्प्रेंस फ्रॉम हियर, I hope you everybody understood this derivation, small derivation. तो मैंने force का complete formula निकाला. This ये sometime ये आपको need है पूछता है. What is the complete formula for force? ये होता है complete formula for force. तो लिए एक सेकंड में ज्वाइन करना, चार पांच सेकंड में। ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? वो अभी चला गया होगा फिर, नेट का, हाँ, फिर नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, अब ठीक है, अब आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Okay, done? No, sir. Okay, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। This is a formula. तो आपने कांस्टेंट मास पे तो न्यूमेरिकल पहले बहुत किए होंगे, लेकिन वेरिएबल मास का नहीं किया हुआ। So, मैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल मास के न्यूमेरिकल्स। मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे, दिस वन F is equal to Vdm by dt, ये भी फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो आगे से ध्यान रखना, फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कांस्टेंट मास के लिए और दूसरा होता है वेरिएबल मास के लिए। कांस्टेंट मास एंड वेरिएबल मास। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को फोर्स लिख सकते हैं और डीवी बाय डीटी को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस वी डीएम बाय डीटी।
अच्छा अच्छा हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल मास। देखो नीट में जब भी एग्जाम ये प्रॉब्लम्स आए हैं देयर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ओनली, सिर्फ तीन तरह के प्रॉब्लम आपको आते हैं। नंबर वन मशीन गन फायरिंग बुलेट, मशीन गन की प्रॉब्लम आती है, मशीन गन। Boys and girls, can I scroll everything down? Can I start? Yes, sir. अच्छा ठीक है मैं start करूँ। So machine gun के problem पे आते हैं। Machine gun आता है। Let there's a machine gun। आपको मालूम है कि जो machine guns के कुछ नाम होते हैं जैसे AK-47 होता है। So what do you mean by AK-47? Why 47? Name is given to that rifle. क्योंकि वो 47 बुलेट्स फायर करता है, 47 बुलेट्स फायर करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 47 बुलेट्स फायर करता है। AK-56 बोलते हैं, मतलब 56 बुलेट्स फायर करता है इन 1 मिनट, ठीक है। अच्छा तो लेट सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज जा रही है क्या मेरी अगेन बॉयज एंड गर्ल्स? ब्रेक आ रही है, अभी आ रही। चलो हाँ, लेट्स से देयर इज अ मशीन गन हियर और ये मशीन गन इज, ठीक है ये कोई मशीन गन है लुक हियर, और ये बुलेट फायर कर रहा है लुक हियर लाइक दिस वे हियर, एंड बुलेट इज फायर्ड, कंटीन्यूअस बुलेट फायर कर रहा है, ओके लाइक दिस वे। दो तीन और बना देते हैं, बस एक और, बस ये कंटीन्यूअस बुलेट फायर कर रहा है, मशीन गन फायरिंग बुलेट। लेट्स सी एम इज द मास ऑफ ईच बुलेट एंड V is the velocity of each bullet. V is the velocity. This is a gun here. And these are the bullets. Bullets. Now, let's say frequency of bullet is N. Let's say its frequency is N. So, I'm saying let a machine gun, let a machine gun fires n bullets per second. Per second with velocity v, with velocity v and mass of each bullet is n, and mass of each bullet is m, ठीक है। तो देखो यहां पर दो सिस्टम हो गए, एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है बुलेट और एक गन है। गन जो है वो बुलेट्स लूज कर रहा है, इसके अंदर बुलेट्स नहीं, वो लूज कर रहा है, लूजिंग बुलेट्स, ठीक है। तो गन का मास कम हो रहा है जबकि बुलेट्स का मास क्या हो रहा है। बुलेट एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, जस्ट सी अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज वन सिस्टम एंड दिस इज अनदर सिस्टम। तो गन वाला सिस्टम जो है मास को लूज कर रहा है, लूज मतलब अब बुलेट फायर करते जाओगे उसके अंदर की बुलेट्स कम होते जाएंगे, और बुलेट वाला सिस्टम जो मास गेन कर रहा है, मोर एंड मोर बुलेट्स आर एडिंग टू द प्रीवियस बुलेट्स। तो ये बात मेरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि गन जो एक सिस्टम है जो मास को लूज कर रहा है, और बुलेट्स एक सिस्टम है जो मास गेन करता जा रहा है। एवरीबॉडी गॉट इट? ये बात समझ में आया? नहीं समझे सर। नहीं समझा? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो बुलेट हुआ, एक बुलेट बाहर आया, बुलेट को एक सिस्टम समझ लो जो बाहर बुलेट आ रही है, एक बुलेट बाहर आई फिर दूसरी आई फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो बुलेट का मास तो बढ़ता जा रहा है ना जो एयर में आ गई, और जो गन गन के अंदर का मास निकलता जा रहा है बुलेट, तो गन का मास कम होता जा रहा है। तो गन जो है अपना मास लूज कर रहा है, गन एक सिस्टम हो गया,
गन अपना मास लूज कर रहा है. अब बुलेट्स क्या हो रहे हैं, ऐड होती जा रही है, 5 बुलेट एक और आगे, 6 एक और आगे, 7 एक और आगे, 8, तो बाहर जो बुलेट्स है उनका मास बढ़ता जा रहा है. तो ये बेसिकली वेरिएबल मास का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो गन जो है ना इसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बुलेट्स का जो मास है वो इंक्रीज कर रहा है. ये डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. अच्छा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सपोज कर लो अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है विद अ फोर्स एफ, बुलेट आगे की तरफ जा रहा है विद अ फोर्स एफ, तो गन पीछे की तरफ आएगा विद द सेम फोर्स एफ. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो गन पीछे की तरफ जाएगा विद द सेम फोर्स एफ. एक्शन रिएक्शन, बुलेट आगे जा रहा है, गन पीछे जा रहा है. अच्छा, दोनों का फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा ना. टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर ये एक्शन हो गया तो ये गन पीछे जाएगा, दैट इज रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो मुझे फोर्स निकालना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फोर्स. तो एक काम करते हैं, मैं बुलेट को ले लेता हूँ, तो गन के बारे में तो कुछ दिया नहीं है. टेक द बुलेट एज अ सिस्टम, मास इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स बुलेट पे फोर्स कैलकुलेट करना है एफ. ये दिस यू हैव टू कैलकुलेट. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? यस, ये देखो फॉर्मूला वेरिएबल मास का क्या है, ऊपर देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वी डीएम बाय डीटी, वी डीएम बाय डीटी, वी डीएम बाय डीटी. या इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एम बाय टी. आपको मालूम है वन अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. वन अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. तो आप इसको लिख सकते हैं वी एम, और वन अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी. तो फोर्स क्या बन गया, एन वी एम, एन वी एम. ये हो गया फोर्स ऑन बुलेट्स. देख लो कैसे आया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया. ये देख लो जैसे V dm by dt, तो ये m by t लिख दो तो भी चलेगा. m हो गया मास ऑफ द बुलेट, v हो गया वेलोसिटी, और 1 upon time को क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे, ये 1 upon time क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एन वी एम. अभी फॉर्मूला लर्न करके जाना तुम लोग, देख लो समझ में आए कैसे आया, जस्ट चेक इट. देख लो पहले एक बार पढ़ लो आप लोग, एक्शन रिएक्शन. वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड. तो वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी रख दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बाहर आ रहा है. हर बुलेट के बिटवीन एक टाइम इंटरवल है, हर बुलेट के बिटवीन एक टाइम इंटरवल. एक्शन रिएक्शन. अच्छा, डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल होता है ना, हमने बड़ा ले लिया, ठीक है, बुलेट का, ठीक है, मास मतलब आपने छोट डी मतलब होता है बेटा स्मॉल, तो स्मॉल हटा लिया, एम ले लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है. वो तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग. मास को बड़ा ले लो तो डी हट जाएगा, टाइम को बड़ा ले लो तो टाइम चला जाएगा. बट डी एम का मतलब स्मॉल मास, एम का मतलब मास, डी टी का मतलब स्मॉल टाइम, टी का मतलब टाइम. तो स्मॉल मास स्मॉल टाइम के हटा के हमने मास और टाइम कर लिया. You cannot stick to the formulas. बिल्कुल ऐसा नहीं होता, अपने आपको चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मुलेस को. तो फॉर्मूला आ गया एन वी एम. सर
सर इधर मास एक ही बुलेट का लिया है क्या टोटल बुलेट फायर उसका पूरा मिलके रिपीट अगेन बेटा जो थोड़ा माइक्रोफोन थोड़ा सा तेज करके बोलिए अच्छा ठीक यस ना मैंने अपना स्पीकर तेज किया हां बोलिए यस यस रिपीट अगेन बेटा सर मैंने पूछा कि यह मास एक ही बुलेट का लिया है टोटल बुलेट फायर नहीं नहीं मैंने मिला के मास लिया है नहीं नहीं मैंने एक बुलेट का मास लिया है सर क्योंकि मैंने आई टेकिंग वेलोसिटी आल्सो वन बुलेट फिर मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया ना वन अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी ना मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया एक्चुअली मैंने वी इज द वेलोसिटी लिखा है विद वेलोसिटी वी एम एम इज द मास ऑफ ईच बुलेट सो आई हैव टेकन मास ऑफ ईच बुलेट ओनली वन बुलेट का लिया बेटा और वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बना दिया तो सारी बुलेट्स आ गई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो गई इसमें ठीक है ओके ना हाँ बेटा कॉपी कर लीजिए साक्षी यू हैव टू कॉपी इट ओके सर अच्छा लिंक जा रहा है बंद हो जाए तो दूसरी लिंक चेंज कर लेना आप लोग बॉयज एंड गर्ल्स लिंक खत्म हो रहा है अगर बंद हो जाता है ना तो आप लोग दूसरे लिंक को चेंज कर लीजिएगा ओके okay?